देश की न्यायपालिका में एक बार फिर से बहुजन समाज की अनदेखी हुई है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट्स में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की है, लेकिन लिस्ट में एक भी एससी एसटी वकील नहीं है। वहीं ओबीसी समाज के वकील भी नदारद हैं। कुल 19 पदों में बहुजन समाज का कोई भी वकील नहीं है। मोदी सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। उनके अलावा कई और वकीलों को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, 19 पदों में से एक भी दलित आदिवासी सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए आपको न्यायपालिका में आरक्षण की जरूरत है। अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। दरअसल केंद्र सरकार कानूनी मामलों पर अपना पक्ष रखने के लिए अपने वकील नियुक्त करती है। असल में ये सरकार के लॉ ऑफिसर होते हैं, लेकिन आसान भाषा में आप इन्हें सरकारी वकील समझ सकते हैं। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। फिर इसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद आता है। ये वो लोग होते हैं जो अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सरकार का पक्ष रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्रमोशन में आरक्षण का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये पूछे कि आपकी इस पर क्या राय है, क्या प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सरकार का पक्ष कोर्ट में रखेंगे। यानी कुल मिलाकर ये बहुत अहम पद होता है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण पद पर भी मोदी सरकार ने किसी बहुजन को जगह नहीं दी, इसलिए बहुजन समाज देश की न्यायपालिका में आरक्षण की मांग करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।